नमस्कार साथियों, आज शुरू करते हैं पांचवा लेक्चर ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। रिलेशन तक पढ़ा दिया था मैंने, रिलेशन क्या होता है ऐसा पूरा बता दिया था। ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, तो एज वी नो दैट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये एक पॉइंट था। एंड रिलेशन ऑन ए का मतलब फ्रॉम ए एंड टू ए, फ्रॉम ए टू ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्या है ये सब बताया हुआ है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो एलिमेंट एक पेयर हो जाता है, ठीक है। तो एज वी नो कि अ रिलेशन इज अ सबसेट, एंड सबसेट इज अ सेट, तो जो सेट में जो भी ऑपरेशंस हैं वो रिलेशंस में वो सारे ऑपरेशंस लगेंगे। तो वन बाय वन हम रिलेशंस पे जो ऑपरेशन है उनको हम जरा से डिफाइन कर लेते हैं, फिर फटाफट इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, मैं यहाँ पे जरा सा ऐसे बना भी दूँ आपके लिए। हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ रिलेशंस, इंटरसेक्शन, of two relations, complement यहां पर भी possible है, complement of a relation, difference, difference देखना है, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस भी देख सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ रिलेशंस, ये सारे ऑपरेशंस हमें देखने हैं। तो पहला ऑपरेशन हम देखते हैं यूनियन ऑफ टू रिलेशंस। दो रिलेशंस का यूनियन हम देखते हैं कि यूनियन क्या है होता है। तो let two relations R and S are defined from set A to B. Then union of R and S is denoted as R union S as usual। चूंकि रिलेशन भी तो सेट ही है ना, रिलेशन भी अपने आप में सेट ही है, तो नोटेशंस भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बट यहां पे एलिमेंट्स पेयर होंगे, बस ये ध्यान रखना है। डिनोटेड एज दिस आर यूनियन एस, एंड डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज हम आर यूनियन एस को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आर यूनियन एस, आर इज अ रिलेशन, एस इज अ रिलेशन, आर यूनियन एस इज
also a relation. Suppose it becomes a relation name, you can name it as relation T. So this is also a relation, and a relation is having pairs. So A comma B type ke pairs honge isme, such that जो A comma B वाला ये जो pair है, either it belongs to R or बस सारे pairs आ जाएं, वो या तो R को belong करते हो या S को belong करते हो, ऐसे सभी को combine करते हो. जैसे set में करते थे. तो ये आपका देखिए R union S, R और relation R and relation S का union ये हो गया. अच्छा, ऐसे ही intersection हम define कर सकते हैं. अभी example देखेंगे intersection of two sets. ये तो लिखने के लिए relations, हम relations की बात कर रहे हैं. तो अगर हम R intersection S, अब notation बस एक जगह मैंने language लिख दी है, ये define करेंगे तो ऐसे सारे pairs A comma B type के, ऐसे सारे pairs such that A comma B ये R को belong करे, and A comma B ये जो pair है, ये पेयर है जो वो एस को भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, वो पेयर ए कॉमा बी, ये पेयर आर वाले रिलेशन में भी होना चाहिए एंड ए कॉमा बी एस वाले रिलेशन में भी होना चाहिए, तभी आर इंटरसेक्शन एस वाले में ये पेयर प्लेस हो पाएगा, तभी यहां के लिए स्थान पाएगा, अदरवाइज नहीं. और ऐसे सारे पेयर्स, ऐसे जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं वो सब ले लिए जाए, जो R में भी हो और S में भी हो, तो एक नया रिलेशन बनेगा एंड उस रिलेशन को हम कहेंगे R इंटरसेक्शन S. तो दो रिलेशन का इंटरसेक्शन या दो रिलेशन का यूनियन भी अपने आप में एक नया रिलेशन होगा. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन R, एक ही रिलेशन, यहां पे दो रिलेशन इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक ही रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट की बात है. तो एज वी नो, हमने शुरुआत में ही बात कर ली है कि लेट टू रिलेशंस आर एंड एस आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी. तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर का कॉम्प्लीमेंट, आर के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन इज डिनोटेड एज दिस. जैसे सेट है, सेट का लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, रिलेशन भी एक सेट ही है, तो नोटेशंस तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगे. तो ये क्या है, ऐसे सारे पेयर्स ए कॉमा बी टाइप के पेयर्स का कलेक्शन सच दैट ए कॉमा बी का, देखिए कॉम्प्लीमेंट, अगर R के अंदर ए कॉमा बी है तो R कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए कि एक पेयर है जो रिलेशन R के अंदर, रिलेशन R के अंदर अगर कोई पेयर, कुछ पेयर्स होंगे, अगर वो एक्स वाई है ऐसे, तो R कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो पेयर नहीं होगा. ठीक है, ये वाला पेयर यहां पे कभी नहीं आ सकता, नो. तो यही बात हम कहना चाहते हैं. तो ऐसे सारे पेयर्स का कलेक्शन जो कि R में नहीं है, एंड लेकिन जितने भी पेयर्स पॉसिबल थे सेट A से B में, कुल कितने पेयर पॉसिबल थे, सारे पेयर्स तो A क्रॉस B के अंदर होते हैं, तो वो A क्रॉस B के अंदर होना चाहिए, ए क्रॉस बी के अंदर
होना चाहिए वो पेयर ए क्रॉस बी, मतलब आर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे पेयर्स ले लिए जाए। ये ए क्रॉस बी पहले लिख दिया मैंने, ये बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है। वैसे तो सारे पेयर्स ए क्रॉस बी को बिलोंग ही करेंगे, ए क्रॉस बी में तो सारे पेयर्स पॉसिबल होते हैं, तो एज ए कॉमा बी इस टाइप के पेयर्स का ऐसा कलेक्शन जो आर के अंदर ना हो, तो फिर वो आर का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यानी आर वाला जो रिलेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया आपको और आर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए क्रॉस बी वाले सेट को आप देखिए और वहां से जो एलिमेंट आर में हो उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ले लीजिए, वही आर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो भी एक रिलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। ठीक है, तीन ऑपरेशन हमने देखे, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑफ टू सेट्स, टू रिलेशंस, रिलेशन भी सेट है तो रिलेशन सेट इस तरह से आप समझ सकते हैं, रिलेशन सेट, रिलेशन भी एक सेट है, पेयर वाला सेट जिसके एलिमेंट्स पेयर होते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को, द सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड, सिंबल इसका आर एक रिलेशन है, टू सेट्स नहीं रिलेशन, बी अवेयर हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं, हालांकि रिलेशन भी एक सेट है, ये बार बार मैं मात्र रिपीट कर रहा हूं, रिपीट करनी भी चाहिए। आर ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, देखिए ट्रायंगल, तो आर एंड एस इन दोनों रिलेशन का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, दैट इज नथिंग बट आर यूनियन एस माइनस आर इंटरसेक्शन एस। ये है, सपोज आर अगर ये सेट है आपका, अगर वेन डायग्राम में हम देखें तो वेन डायग्राम ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारा आर और एस ये दोनों रिलेशन ए टू बी को डिपेंड, ए टू बी ए से और बी में है, एस बी फ्रॉम ए टू बी है, तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट एंड इट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। ओके, एंड इसी का एक कोई सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट ले लिया, ये दिस सबसेट इज आर, ये एक रिलेशन है। ऐसे ही ए क्रॉस बी का दूसरा कोई सबसेट ले लिया, उसको हम कह रहे हैं एस, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो लिया जाएगा वो रिलेशन है। यानी ये तो जो सर्किल बने हुए दिख रहे हैं आर एंड एस, ये दो रिलेशंस हैं, चूंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये यूनिवर्सल सेट, यू इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, यू है या यही ए क्रॉस बी है, एक ही बात है, इसीलिए ए क्रॉस बी को हम यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। इस पूरे रिलेशन को, पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल रिलेशन को डिनोट कर रहा है, या दिस होल रेक्टेंगल इज नथिंग बट यूनिवर्सल रिलेशन, इसीलिए क्योंकि पूरा रेक्टेंगल वो ले लिया, जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल थे सब आ ही गए उसमें, दैट्स वाई द वर्ड यूनिवर्सल इज देयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात है, तो ये जो शेडेड एरिया अगर मैं कर दूँ, देखिए दिस इज इंटरसेक्शन, और ये पूरा का पूरा अगर एरिया कवर करते हम तो वो यूनियन होता। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो एरिया है, ये दिस डिनोट्स आर, दिस
यानी इस वाले पार्ट को हमने हटा दिया है, बस आर और एस को पूरा कंबाइन किया, पूरा यूनियन ले सकते हैं आप। यूनियन लेने के बाद में जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला एरिया है उसको हटा दिया, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। मतलब इधर भी देखिए आर का पार्ट आ रहा है, इस तरफ भी आर का पार्ट आ रहा है, सिमेट्री एक मेंटेन हो रही है। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ डिफरेंस इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कॉमन एरिया किसी को भी नहीं मिला। जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट है, वो ना तो आर वाले का लिया गया है ना एस का लिया गया है। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, और सेट दिए रहते हैं उसको निकालने के लिए आ जाता है, तो आप निकालेंगे भी। मैं एग्जांपल बताता हूँ। और एक और ऑपरेशन है, हम उसको कहेंगे कन्वर्स, कन्वर्स और ट्रांसपोज ऑफ टू रिलेशंस, दो रिलेशंस का कन्वर्स या ट्रांसपोज हम की बात कर रहे हैं। टू रिलेशंस, रिलेशंस बोल भी दो आर एंड एस ऐसे। ये थोड़ी न्यू चीज आपके लिए रहेगी, तो इसलिए मैं ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई रिलेशन आर है, लेट, अच्छा कन्वर्स तो किसी एक रिलेशन का ही है, चलो दोनों की बात कर लेते हैं। लेट आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी ऐसे, ठीक है। देन आर का कन्वर्स, या उसको हम ट्रांसपोज, आर ये अपर सफिक्स में हम टी लगा देंगे, तो वही कन्वर्स, आर का कन्वर्स हो गया ये दिस इज कन्वर्स ऑफ आर। तो ये क्या होता है, ये ऐसे सारे पेयर्स, अगर ए कॉमा बी वाला पेयर आर वाले रिलेशन, जो शुरुआत में जो रिलेशन पहले से आपको पता है, आर के सहारे आप आर पावर टी निकालते हैं, तो यानी ए कॉमा बी वाला पेयर अगर आर वाले रिलेशन में है, तो आपको सारे पेयर्स ऐसे बना देने हैं बी कॉमा ए, यानी ऐसे सारे बी कॉमा ए वाले पेयर्स का कलेक्शन, सच दैट कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है। यानी आर अगर सेट आपको दिया हुआ है, उसके सारे पेयर्स को आप फ्लिप कर दें, प्लेस चेंज कर दें, बी यहाँ था, बी को पहले ले आए, ए बाद में, ए पहले था, ए को बाद में कर दें, तो इस तरह से पेयर्स को, पेयर्स के जो एलिमेंट हैं, पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, तो पेयर के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें आपस में, और ऐसे सभी सारे पेयर्स ले लें, तो आर का कन्वर्स आ जाएगा, रिलेशन आर का कन्वर्स, दिस इज डिनोटेड एज आर अपर सफिक्स टी, कैपिटल टी यहाँ पे लगा देते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर कन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे आर एंड एस दोनों लिख दिया था, तो इसलिए एस का अगर कन्वर्स निकालना है तो उसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दो दो बार हो जाएगी चीज। एक्स वाई टाइप के ऐसे सारे पेयर्स, सच दैट कि वाई एक्स वाला पेयर आपका इसमें है, मतलब वाई एक्स वाला पेयर जो पेयर होगा एस में, तब उस पेयर को ही, जो पेयर होंगे एस में उन्हीं को फ्लिप करना है, तभी तो हमें एस का पावर, एस का कन्वर्ज मिलेगा, एस पावर टी मिलेगा, कह सकते हैं अपने बोलने के लिए। दिस इज कन्वर्ज ऑफ रिलेशन एस, एस एंड अपर सफिक्स टी। तो ये भी ऑपरेशन था, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और दोनों 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आपको पता है तो तुरंत आपको आंसर मिल जाता है और 2 नंबर मिल जाते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि रिलेशंस क्या हैं और उन पे ऑपरेशंस क्या हैं। एक ये जरा सा एग्जांपल देखिए, दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल देखें, कैपिटल ए सेट है ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी है, यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी को हमने निकाल लिया है। ए क्रॉस बी का मतलब कि जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं सब आ जाते हैं उसमें,
अब कोई भी रिलेशन, चाहे वो आर हो या एस हो या दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, अगर इन दोनों सेट के बीच में निकालना है तो वो इन्हीं के पेयर्स को लेने से आएगा। तो आर में दो रिलेशन आर और एस है, यहाँ पे आर में पेयर्स ले लिए गए हैं, 1 2 3 4 फोर पेयर्स ले लिए गए हैं। यहाँ पे टोटल कुल कितने पेयर्स हैं, 4 यहाँ पे देखिए हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स 3 हैं, तो 4 × 3 यानी 12 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, यानी 12 पेयर्स होंगे। तो सारे 12 पेयर्स से हमने ले लिए हैं एलिमेंट्स, आर और एस में रिलेशन बना लिया है, एक रिलेशन या आर है और दूसरा रिलेशन एस है। तो आर यूनियन एस क्या होगा, आर यूनियन एस देख लीजिए आप, आर यूनियन एस का मतलब कि ऐसे सारे पेयर्स जो या तो एस आर में हो या एस में हो, अगर दोनों में है तो एक बार ले लिया, जैसे ए कॉमा वन यहाँ पे ए कॉमा वन है तो एक बार ले लिया हमने, क्योंकि आर में भी था और एस में भी था, बी कॉमा टू तो बी कॉमा टू ले लिया, फिर यहाँ देखा बी कॉमा वन है, बी कॉमा वन भी हो गया, सी कॉमा थ्री तो सी कॉमा थ्री इधर आ गया, सी कॉमा वन है यहाँ, सी कॉमा वन आ गया, डी कॉमा वन और डी कॉमा वन ये दोनों में है तो एक बार आ गया। तो दिस इज योर आर यूनियन एस, दो रिलेशंस का यूनियन, और यूनियन को हमने डिफाइन भी ऐसे ही किया था कि ये जो ए कॉमा बी वाला पेयर है या तो यहाँ पे हो या इसमें हो, दोनों में ही है तो भी ये बात सही हो रही है। नाउ इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन ए कॉमा वन वाला पेयर दोनों में था तो ए कॉमा वन वाला पेयर आ गया, डी कॉमा वन वाला पेयर दोनों में है तो वो आ गया। तो दिस इज आर इंटरसेक्शन एस। अब हम ये बात करें, दिस इज डिफरेंस, डिफरेंस को डिफाइन नहीं अभी किया, डिफाइन करना मैं भूल गया था, अभी आपको डिफाइन भी करवा दूंगा, बट दिस इज, दिस नोटेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का नोटेशन है, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं आर माइनस एस, ये दोनों ही नोटेशन है, ठीक है, डिफरेंस का ऐसे ही ऑब्लिक करके नोटेशन है, वो डिवाइड करने जैसी तो कोई बात होती नहीं है, तो कन्फ्यूजन होने की भी कोई चांस नहीं है। आर एंड एस, डिफरेंस ऑफ आर एंड एस, तो चलिए देखते हैं, ये इसी को आर माइनस एस कह सकते हैं, ये जो एस ऑब्लिक आर करके लिखा हुआ है वो एस माइनस आर है, तो देखते हैं क्या मतलब है। आर और एस का डिफरेंस, आर अगर पहले है तो ऐसे सारे एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो आर में हो लेकिन एस में ना हो, तो आप देख लेते हैं, तो इसके लिए कैसे करेंगे, आर और एस पे चलें यहाँ पे हम देखें, और एस में देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है, उनको आर से हटा दीजिए और वही आंसर हो जाएगा। तो ए कॉमा वन एस में है तो यहाँ से हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे, ऐसे बी कॉमा वन एस में है तो वहाँ से हटाने की ज़रूरत ही नहीं चूँकि है ही नहीं वहाँ, ऐसे डी कॉमा वन ये एस में है तो हमें एस के एलिमेंट्स को हटाने हैं, यानी आर में ऐसा कोई एलिमेंट जो एस में भी है उसको हटा दें, तो डी कॉमा वन को भी हटा दीजिए, ए कॉमा वन भी हट गया, तो बी कॉमा टू एंड सी कॉमा थ्री ये आर माइनस एस में आ गया। अच्छा, ऐसे एस माइनस आर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो एस माइनस आर निकालने के लिए पहले हम एस में पहुँचे और आर में देख लें कि कौन कौन से एलिमेंट है, वो कॉमन वाले एलिमेंट हटा दें, तो ए कॉमा वन और डी कॉमा वन आर में है, एस से उन दोनों एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो बी कॉमा वन एंड सी कॉमा वन ये आंसर आ गया। तो ये डिफरेंस की बात हो गई। अच्छा, आर का कॉम्प्लीमेंट की बात हम करें तो आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर में देख लें जो भी एलिमेंट है उनको ए क्रॉस बी में, सारे एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल थे यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, तो ए कॉमा वन बी कॉमा टू सी कॉमा थ्री ये जो है फोर पेयर हटा दें तो बाकी के 8 पेयर्स आ जाएंगे इसमें, तो ए कॉमा वन हटा दिया तो देखिए ए कॉमा टू ए कॉमा थ्री ये आ गया, फिर बी कॉमा वन अभी बी कॉमा टू है तो बी कॉमा टू को हटा दिया इससे, तो बी कॉमा वन बी कॉमा थ्री बी कॉमा वन बी कॉमा थ्री ये देखिए आ गया, फिर यहाँ देखिए सी कॉमा थ्री है तो इसका मतलब सी कॉमा वन सी कॉमा टू आएगा ही यहाँ, और सी कॉमा थ्री नहीं आएगा चूँकि इसमें आ चुका है, डी कॉमा वन इसमें है तो डी कॉमा वन को छोड़ कर डी कॉमा टू डी कॉमा थ्री इसमें आ गया। इसी तरीके से हमने एस का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, जब एस का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए क्रॉस बी में से उन पेयर को हटा दीजिए जो एक एस के अंदर है, तो वो एस का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ज़रा देखते हैं कि आर का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, आर का ट्रांसपोज या दूसरा वर्ड है कन्वर्स, तो आर का कन्वर्स कैसे निकालेंगे, ज़रा रिलेशन आर की तरफ चलिए, आर से ही तो मिलेगा आर का ट्रांसपोज,
तो यहाँ a कॉमा वन, b कॉमा टू, c कॉमा थ्री है, सबको फ्लिप कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, r, r से ज़रा देखिए, r में a कॉमा वन है तो ये वन कॉमा a हो गया, ये टू कॉमा b, ये थ्री कॉमा c, फ्लिप कर रहे हैं, म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये वन कॉमा d, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ r। ये ज़रा देखें आप, S का ट्रांसपोज क्या होगा, S में जितने भी एलिमेंट्स हैं S को बिलोंग करें बट उनको फ्लिप कर देना है, यही डेफिनेशन भी बताई थी, जरा डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन को दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, R का ट्रांसपोज यानी ऐसे B कॉमा A वाले पेयर्स लेने हैं जबकि A कॉमा B R के अंदर हो, तो R कॉमा R पावर T यानी R का कन्वर्ज में कौन से पेयर आएंगे, B कॉमा A वाला आएगा, ए कॉमा बी से हम पलट के ले लिया है जो एलिमेंट, और ऐसे सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो एस का कन्वर्स देखते हैं, तो ये देखिए, दिस इज वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, ये सी कॉमा वन है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, वन कॉमा सी, और यहाँ डी कॉमा वन है तो यहाँ वन कॉमा डी आ जाएगा। तो ये हमने एस का कन्वर्स, रिलेशन आर का कन्वर्स, रिलेशन एस का कन्वर्स, ये सब निकाल लिया। अब जरा सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस आर और सिमेट्रिक डिफरेंस का देखिए ये साइन, ये क्या होगा, ये मैंने बताया ही है कि यूनियन देखिए और यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दीजिए, तो यूनियन देखिए, आर यूनियन एस निकाला ही था, फार्मूला लिख लो एक बार आप, आर यूनियन एस माइनस R इंटरसेक्शन S, तो बस अब आप सेट बना लीजिए, R यूनियन S, ये वाले इंटरसेक्शन को देखिए और यूनियन में से उन एलिमेंट्स को A कॉमा वन और D कॉमा वन, A कॉमा वन यहाँ पे है देखिए ये, और D कॉमा वन यहाँ पे है, इन दोनों को हटा दीजिए और बाकी सब ले लीजिए, तो दिस इज नथिंग बट B कॉमा टू, B कॉमा वन, सी कॉमा थ्री एंड सी कॉमा वन। ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के मामले में ये बात है कि आप आर और एस का सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे लिखें या एस और आर का सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे लिखें, सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव होता है बट डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर आप डिफरेंस की बात करें कि वो कम्यूटेटिव है तो नहीं है, देखिए ये यहाँ पे ये कम्यूटेटिव है बट R माइनस S इज नॉट इक्वल टू S माइनस R, ये ध्यान रखें, ये नॉर्मल डिफरेंस था और ये सिमेट्रिक डिफरेंस है तो वो देखिए कम्यूटेटिव हो गया। तो ऐसी भी चीज़ें और बताते रहेंगे, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं साथियों, नमस्कार।